हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू पैसा ग्रोवर। आई होप कि आप सब फाइनेंशियली फ्री होंगे और एक हेल्दी और वेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो और एंजॉय कर रहे होंगे। सो इन्वेस्टर्स, समर सीजन स्टार्ट हो चुका है और इस सीजन में एसी फ्रिज जैसे प्रोडक्ट्स की सेल इंक्रीज हो जाती है और इन कंपनी का रिजल्ट परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि इनके प्राइस में आपको एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। और आज की इस वीडियो में उन्हीं तीन स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जिनके ऊपर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। हम उन स्टॉक्स की फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि आप इन स्टॉक्स के अंदर कब एंट्री ले सकते हो। और आज की वीडियो का लास्ट स्टॉक एक पेनी स्टॉक है जिसके अंदर काफी ज्यादा रिस्क है, आप उसको भी जरूर चेक करना। सो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये वीडियो आपके पोर्टफोलियो को एसी के अंदर कूल रखने में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अब आप भी जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए आज के एनालिसिस को शुरू करते हैं। आज की लिस्ट में फर्स्ट स्टॉक हमारे पास एक एवरग्रीन स्टॉक है जिसका नाम है ब्लू स्टार लिमिटेड। ये कंपनी आपकी एयर प्योरीफायर, एयर कूलर, वाटर प्योरीफायर, कोल्ड स्टोरेज एंड सेम प्रोडक्ट सेगमेंट में वर्क करती है। ये पूरी कंट्री की लार्जेस्ट आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइडर है एसी और कमर्शियल रेफ्रिजरेटर के सेगमेंट में। इसके कस्टमर्स की लिस्ट में निप्पॉन, ओला इलेक्ट्रिसिटी, मोबिलिटी, जेसीबी इंडिया, सेलकॉम मैन्युफैक्चरिंग इंडिया, ओबरॉय रियल्टी और यशोदा हॉस्पिटल्स जैसी बड़ी और दिग्गज कंपनी शामिल हैं। ये इंडिया से बाहर भी मोर देन 15 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है और इनके ब्रांड एम्बेसडर खुद विराट कोहली सर हैं। अब चलते हैं इसके फंडामेंटल्स पर। तो अभी इसकी मार्केट कैप है 25,500 करोड़ की और अभी आपको 1240 रुपीज पर ट्रेड होता हुआ मिल जाएगा। इसका प्राइस टू अर्निंग रेशो है 70 का, तो आपके ओवरवैल्यूड स्टॉक तो है। और क्वालिटी लार्ज कैप स्टॉक्स वैसे भी आपको ओवरवैल्यूड ही मिलते हैं। ये आपको 0.97% का डिविडेंड यील्ड दे रही है। इसकी आरओई और आरओसीई की वैल्यू 23% से अबव है, जो कि इसके अंदर हाई ग्रोथ को शो कर रहा है। इसके ऊपर 870 करोड़ का डेट है और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.37 का। हम इसको आगे चल के डिस्कस करेंगे। इसका पिट्रोस के स्कोर है 6 का, जो कि इसके गुड फंडामेंटल्स को शो कर रहा है। इसके अंदर प्रोमोटर्स के पास 36.5% की इक्विटी होल्डिंग है और प्रीवियस 12 मंथ में इसने 440 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। डिटेल में देखते हैं, एक साइक्लिकल बिजनेस है। तो आप देखो, दिसंबर ओवर दिसंबर में इसका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है और लास्ट क्वार्टर में इसने 2240 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, उसमें 2086 करोड़ इसके एक्सपेंस में चले गए और 155 करोड़ को ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था। डिटेल एनालिसिस के लिए इयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर चलते हैं। तो आप देखो कि हर साल इसका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है और टीटीएम में भी इसका रेवेन्यू ग्रोथ पॉजिटिव है। मार्च 23 में इसने नियरली 8000 करोड़ का इयरली रेवेन्यू जनरेट किया था और उसमें 500 करोड़ का इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था। इसका अपना ऑपरेटिंग मार्जिन है 6% का, मतलब अपने हर 100 रुपीज के रेवेन्यू पर 6 रुपीज का प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं। उससे लेकर इसके पास 195 करोड़ की अदर इनकम आई थी और उसमें से 55 करोड़ इंटरेस्ट और 85 करोड़ डेप्रिसिएशन में चले गए और 28% का टैक्स हटाने के बाद इसका नेट प्रॉफिट आता है 400 करोड़ का, जो कि लास्ट ईयर से नियरली 2.5 टाइम्स है। और इसका मेन रीजन है इसकी अदर इनकम। बैलेंस शीट पर चलते हैं तो इसमें 40 करोड़ की इक्विटी कैपिटल है, 2311 करोड़ की इंक्रीजिंग रिजर्व्स हैं, 870 करोड़ की बोरिंग्स हैं और वो भी आपके हर साल इंक्रीज हो रही हैं। एसेट्स देखें तो 990 करोड़ के फिक्स एसेट्स हैं और इसके एसेट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। 140 करोड़ का इसके अंदर कैपेक्स चल रहा है और 670 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो इसकी बैलेंस शीट क्वालिटी बैलेंस शीट है। कैश फ्लो पर चलते हैं तो इसका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, इन्वेंटरी भी नेगेटिवली इंक्रीज हो रही है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। 208 करोड़ का नेगेटिव वर्किंग कैपिटल चेंज है और 93 करोड़ का इसने टैक्स पे किया है। 360 करोड़ के इसने एसेट्स परचेज किए हैं और 178 करोड़ के एसेट्स को सेल किया है और उससे लगे इसने 31 करोड़ अदर इन्वेस्टिंग आइटम में डाले हैं। 66 करोड़ का इसने इंटरेस्ट पे किया है और 96 करोड़ का इसने आपको डिविडेंड दिया है और 26 करोड़ की इसने लायबिलिटीज भी पे करी है। और फिलहाल इसका नेट कैश फ्लो नियरली नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव होना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट पर चलते हैं तो इसमें 36.50% का स्टेक खुद प्रोमोटर्स के पास है। एफआईआई के पास इसमें 15.38% का स्टेक है और वो अपने स्टेक को इंक्रीज कर रहे हैं। देन डीआईआई के पास इसके अंदर 24.80% का हाई स्टेक है और रिमेनिंग 23.29% का स्टेक आप सभी का है। सो इसका शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट भी काफी सही है। अब चलते हैं इसके टेक्निकल्स पर। ये मैंने आपको 800 के सपोर्ट पर शो किया था, देन आपके कप ट्रेंड के अंदर था और फिलहाल के लिए इसके अंदर आपका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 1200 का। देन लॉन्ग ट्रेडर्स के लिए इसके अंदर आपका सपोर्ट रहेगा 1100 का। आप इसको इन लेवल्स के साथ अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। अब चलते हैं आज के नेक्स्ट स्टॉक पर, वो है आपका एम्बर एंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड। ये आपकी 1956 में शुरू हुई थी और रूम एसी में इसके पास 23.6% का हाई मार्केट शेयर है। उससे लगे आपकी आरएसी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स और मोटर्स में वर्क करती है एंड इसके क्लाइंट्स में एलजी, हिटाची, महिंद्रा और खुद ब्लू स्टार भी शामिल है। एंड फाइनेंशियल 24-25 में 350-375 करोड़ का केपेक्स करेगा, जिसके अंदर अपना मेन पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डालेंगे और अपनी सब्सिडियरी को एक्सपेंड करेंगे। इसके फंडामेंटल्स पर चलते हैं तो इसकी मार्केट कैप है 12,200 करोड़ की, सो आपके एक मिड कैप स्टॉक है और फिलहाल आपका 3600 रुपीज पर ट्रेड हो रहा है। इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 85 का, सो ये और ज्यादा एक ओवरवैल्यूड स्टॉक है। इसकी आरओई और आरओसीई की वैल्यू फिलहाल 8% से अबव है, जो कि थोड़ी लो है, मगर ये अभी रिकवर हो रही है, जो कि स्टिल एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। इसके ऊपर 1550 करोड़ का डेट है और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.79 का, जो कि स्टिल हाई डेट है और ये आपका डेट अभी भी इंक्रीज हो रहा है। इसका पेट्रोस की स्कोर है 6 का, जो कि इसके गुड फंडामेंटल्स को शो कर रहा है। इसमें प्रोमोटर्स के पास 40.3% का गुड स्टेक है और प्रीवियस 12 मंथ में इसने 160 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। डिटेल में देखते हैं तो ये भी एक साइक्लिकल बिजनेस है और इसका मेन रेवेन्यू मार्च और जून वाले क्वार्टर के अंदर जनरेट होता है। लास्ट दिसंबर वाले क्वार्टर में इसने 1300 करोड़ का क्वार्टरली रेवेन्यू जनरेट किया था और उसमें 1216 करोड़ का खर्चा आया था और 78.5
150 करोड़ का इसका अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था। लॉन्ग फिगर्स के लिए ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर चलते हैं, तो आप देखो कॉन्स्टेंटली इसका रेवेन्यू कितनी तेजी के साथ ग्रो कर रहा है और अभी नियरली 7000 करोड़ का ईयरली रेवेन्यू जनरेट कर रही है और उसमें 422 करोड़ का इसका अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था और इसका अपना ऑपरेटिंग मार्जिन है 6% का, जो कि इस इंडस्ट्री में एवरेज मार्जिन है। उससे लगे इसके पास 49 करोड़ की इधर इनकम आई थी और उसमें से 112 करोड़ इंटरेस्ट और 139 करोड़ डेप्रिसिएशन में चले गए और 25% का टैक्स हटाने के बाद इसका नेट प्रॉफिट आता है 164 करोड़ का, वो भी आपका हर साल इंक्रीज हो रहा है और ईपीएस भी इसका पॉजिटिव है। अब चलते हैं इसकी बैलेंस शीट पर, तो इसमें 34 करोड़ की इक्विटी कैपिटल है और 1922 करोड़ की इंक्रीजिंग रिजर्व्स है और उससे लगे अपने ऊपर की बोरिंग्स को भी इंक्रीज कर रही है। ये बेसिकली अपनी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स को इंक्रीज कर रही है और फिलहाल इसके ऊपर 940 करोड़ की शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है। एसेट्स देखें तो ये भी अपने एसेट्स को इंक्रीज कर रही है और फिलहाल 2310 करोड़ के फिक्स एसेट्स हैं। लास्ट क्वार्टर में इसने 27 करोड़ का केपेक्स किया था और फिलहाल इसके पास 140 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, सो बैलेंस शीट इसकी क्वाइट गुड है। कैश फ्लो पर चलते हैं, तो आप देखो कि इसका भी प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, इन्वेंटरीज की भी नेगेटिव जा रही है, उससे लग 58 करोड़ का नेगेटिव वर्किंग कैपिटल चेंज आया था। देन 54 करोड़ का इसने टैक्स पे किया है, 660 करोड़ के इसने एसेट्स खरीदे हैं और 84 करोड़ किसने इन्वेस्टमेंट परचेज की है, 105 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को सेल किया है, 31 करोड़ का इसको इंटरेस्ट मिला है और 113 करोड़ अदर इन्वेस्टिंग आइटम से आए हैं। देन इसने खुद 116 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया है और 3 करोड़ की फाइनेंसिंग लायबिलिटीज को भी पे किया है एंड एट द एंड इसका नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर चलते हैं, तो इसमें 40.31% का स्टेक खुद प्रोमोटर्स के पास है, FII के पास अभी 28.29% का स्टेक है और उन्होंने इसको काफी तेजी से इंक्रीज किया है। देन DII के पास इसमें 14.67% का स्टेक है और वो अपने स्टेक को इंक्रीज कर रहे हैं और रिमेनिंग 16.73% का स्टेक आप सभी का है, जो कि उतनी स्पीड से रिड्यूस हो रहा है। सो शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट तो इसका भी काफी सही है। अब चलते हैं इसके टेक्निकल्स पर, तो एक डाउन ट्रेंड के बाद दोबारा से एक अपट्रेंड की शुरुआत कर रही है एंड अभी आपका लेवल्स के अंदर ट्रेड हो रहा है और फिलहाल इसका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 3480 का, देन आपका नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 3000 का और फिलहाल आपका रेजिस्टेंस रहेगा 4000 का। आप इसको इन लेवल्स के साथ अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हो। और अब फाइनली चलते हैं आज के लास्ट स्टॉक पर, ये एक हाई रिस्क स्टॉक है और इसका नाम है इपैक ड्यूरेबल्स। इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी, ये रूम एसी की ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर है और इसके पास पर्टिकुलर 23-25% का मार्केट शेयर है, सो आपकी रूम एसी में वर्क करती है, देन आपके मिक्सर ग्राइंडर और वाटर डिस्पेंसर में भी वर्क करती है एंड इसके भी क्लाइंट्स में ब्लू स्टार, डेकिन एयर कंडीशनिंग, वोल्टास, हैवल्स, हायर अप्लायंसेस और गोदरेज भी शामिल है और इसका आईपीओ भी 13 जन 2024 में लिस्ट हुआ है। उसमें इसने 640 करोड़ का फंड रेस किया था जिसमें से केपेक्स करेगी और अपने पुराने डेट को रीपे करेगी। फंडामेंटल्स पर चलते हैं, तो अभी इसकी मार्केट कैप है 1500 करोड़ की, सो अभी तो आपका एक पैन स्टॉक है और फिलहाल आपका 150 रुपीस पर ट्रेड हो रहा है। इसका पीई रेशियो 47 का, लिटिल लेस ओवरवैल्यूड है। इसकी आरओई और आरओसी की वैल्यू फिलहाल 90% की है, जो कि स्लो ग्रोथ को शो कर रही है और इसके ऊपर 520 करोड़ का डेट है और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1.68 का, मगर अपने डेट को काफी तेजी से रिड्यूस कर रहे हैं, जो कि गुड साइन है। इसका पेट्रोस्की स्कोर है 5 का, जो कि इसके गुड और एवरेज फंडामेंटल्स को शो कर रहा है। प्रोमोटर्स के पास इसमें 48.1% की स्टिल गुड होल्डिंग्स हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं तो ये भी आपका एक साइक्लिकल बिजनेस है, सो लास्ट दिसंबर से इस दिसंबर में इसने ऑलमोस्ट सेम रेवेन्यू जनरेट किया है, मगर ऑन द अदर हैंड साइड इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3 times हो गया लास्ट दिसंबर से, सो ये बेसिकली अपने ऑपरेटिंग मार्जिन को इंक्रीज कर रहे हैं जिससे कि इसका प्रॉफिट इंक्रीज हो सके। और आप देखो अभी इनका नेट प्रॉफिट भी पॉजिटिव है। ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर चलते हैं, तो आप देखो हर साल इसका टॉप लाइन इंक्रीज हो रही है और मार्च 23 में इसने 1500 प्लस करोड़ का ईयरली रेवेन्यू जनरेट किया है और उसमें इसका 95 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था। उसमें से भी 31 करोड़ इंटरेस्ट और 22 करोड़ डेप्रिसिएशन में चले गए और 27% का इसने टैक्स पे किया है और इन सब के बाद इसका नेट प्रॉफिट आता है 31 करोड़ का, वो भी आपका इंक्रीज हो रहा है। बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं, तो इसकी अपनी इक्विटी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, 260 करोड़ के इंक्रीजिंग रिजर्व्स हैं, देन 525 करोड़ के इसके ऊपर बोरिंग्स हैं। एसेट्स में भी अपने फिक्स एसेट्स को इंक्रीज कर रही है। लास्ट क्वार्टर में इसने 91 करोड़ का केपेक्स भी किया था और 40 करोड़ के इसके अंदर गुड इन्वेस्टमेंट्स हैं। कैश फ्लो पर चलते हैं, तो आप देखो कि इसका प्रॉफिट इंक्रीज किया है, 33 करोड़ की नेगेटिव इन्वेंट्री है और ये उसको इंप्रूव कर रहे हैं और 70 करोड़ के इसमें नेगेटिव वर्किंग कैपिटल चेंज आया था, 11 करोड़ का इसने टैक्स पे किया है, 230 करोड़ के इसने एसेट्स परचेज किए हैं और 15 करोड़ अदर इन्वेस्टिंग आइटम से आए हैं, देन 27 करोड़ का इसने इंटरेस्ट पे किया है, 3 करोड़ के इसने फाइनेंसिंग लायबिलिटीज पे किए हैं और इसका नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है। शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट पर चलते हैं, तो आप देखो खुद प्रोमोटर्स के पास इसमें 48.09% का स्टेक है, FII के पास इसमें 4% का गुड स्टेक है और DII के पास भी इसमें 19.79% का हाई स्टेक है और रिमेनिंग 28.10% का स्टेक आप सभी का है। सो फंडामेंटली आपके क्वालिटी स्टॉक है। इसके टेक्निकल्स देखते हैं, तो आपका हाईली रिस्की है क्योंकि एक डाउन ट्रेंड के अंदर ट्रेड हो रहा है और ये जब तक अपने स्टैंड को ब्रेक नहीं करेगा तब तक आप इसमें एंट्री मत लेना, इससे दूरी बनाकर रखना और या फिर आप मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर आके कनेक्ट हो सकते हो, वहाँ पर मैं आपको इसके लेवल्स अपडेट कर दूंगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड यस, दैट्स इट फॉर टुडेज एनालिसिस। नाउ आई होप कि आप सभी को एनालिसिस पसंद आई होगी। अब अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कोई भी डाउट या फिर क्वेरी है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर आके पूछ सकते हो एंड और भी ऐसी क्वालिटी एनालिसिस के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। अब हम भी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी हेल्दी बी वेल्दी।